फाइब्रॉइड या रसौली एक बहुत ही आम परेशानी है जो औरतों में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में बहुत अमूमन आ जाती है। इससे उनको मासिक में तकलीफ़ होना, ज़्यादा खून गिरना या फिर अनीमिया हो जाना, खून की कमी होना, बहुत टाइम तक पीरियड्स चलना या फिर उनको पेट में एक मास महसूस होना जब ये बहुत बड़े हो जाते हैं। यंग लड़कियों में स्पेशली ये जो मास बड़े होते हैं उनको बहुत एम्बैरेसमेंट कॉज करते हैं। ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं फाइब्रॉइड के। प्रेशर डाल सकता है वो पेशाब की थैली पे, मूल की थैली पे, तो बार बार पेशाब आना और इनफर्टिलिटी, बच्चा नहीं होने का भी एक कारण हो सकता है ये फाइब्रॉइड। अब ये जो फाइब्रॉइड है इसका सबसे कारगर तरीका है अगर हम दूरबीन विधि से इसे निकालें। दूरबीन विधि से आज किसी भी साइज का फाइब्रॉइड दूरबीन विधि से निकाला जा सकता है। ये प्रीवियस धारणाएं या मिथ्याएं जो हैं ये हमें अपने दिमाग से निकालनी होगी। मेरे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फाइब्रॉइड दूरबीन विधि से निकालने का, 6.8 केजी का। और सबसे बड़ा यूट्रस जो दूरबीन विधि से निकाला है वो मैंने 9.6 केजी का निकाला है, दोनों दुबई में निकाले हैं। अब इसीलिए कुछ भी दूरबीन विधि से किया जा सकता है। अगर किसी की प्रीवियस ऑपरेशन हुआ हो, सिजेरियन हुआ हो, तब भी ये मिथ्या है कि आप दूरबीन विधि से उसका उपचार नहीं कर सकते, ये भी एक मिथ्या है। कोई भी साइज़ हो यूट्रस का, कितनी भी सर्जरी हुई हुई हो पहले, सब कुछ दूरबीन विधि से हैंडल किया जा सकता है प्रोवाइडेड आपके सर्जन कॉम्पिटेंट हो। हम सनराइज़ में ऐसी सर्जरीज रोज़ करते हैं। कल भी मैंने 3.6 केजी का फाइब्रॉइड निकाला दूरबीन विधि से। इसमें एक तरीका है जो हम यूज़ करते हैं, लुआल, यूट्राइन आर्टरी क्लिपिंग फ्रॉम ओरिजिन। बाकी आजकल न्यू ड्रग्स आते हैं, वाजोप्रेसिन वगैरह, और स्पेशल सूचर्स जो हम जहाँ से जाते हैं, बाब सूचर्स इन्हें कहा जाता है, वो जहाँ से हम लेते हैं बाइट वहाँ से वो चिपक जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये सारे आजकल कारगर तरीके आ गए हैं, लैप्रोस्कोपी में एडवांसेस हो गए हैं, प्लस 3D लैप्रोस्कोपी आ गए हैं। तो इसके बाद में ओपन सर्जरी किसी भी रीज़न से नहीं करानी चाहिए। लैप्रोस्कोपी में मरीज़ एक दिन में घर जा सकता है, अपने दिनचर्या का काम 2-3 दिन में शुरू कर सकता है, ऑफिस वगैरह ज्वाइन कर सकता है, और ये एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो आज इस ज़माने में दूरबीन की ही सर्जरी करानी चाहिए। ओपन सर्जरी फाइब्रॉइड्स के लिए स्पेशली, कोई भी बिनाइन कंडीशन के लिए तो बिल्कुल नहीं करानी चाहिए। लैप्रोस्कोपी या दूरबीन ये एक बहुत ही समझदारी से करने वाली सर्जरी है और बहुत ही कारगर सर्जरी है। इस सर्जरी में मरीज़ को दर्द नहीं होता, ब्लड लॉस नहीं होता, वो अपने दिनचर्या का काम 2-3 दिन में सर्जरी के बाद कर सकती है, और ये एक्सपेंसिव भी नहीं है। अभी ये स्टैंडर्डाइज हो गया है। और इसके अंदर, एंडोमेट्रोसिस के अंदर खास करके, लैप्रोस्कोपी इज़ अ बून, क्योंकि चाहे वो किडनी हो, चाहे वो आंतड़ियाँ हो, चाहे वो यूट्रस हो, सब जगह का एंडोमेट्रोसिस कारगर तरीके से दूरबीन विधि से एक दिन में ट्रीट किया जा सकता है और मरीज़ को इसका दर्द भी नहीं महसूस होता। धन्यवाद।